नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बता दें आपको कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन थोड़ा सा भारत के नाम रहा क्योंकि पहले तो ऑस्ट्रेलिया को 326 पर रोका, उसके बाद हालांकि भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो 172 रन भारत आखिरी दिन के ख़त्म होने तक बना चुका था और 3 विकेट भारत के गिरे थे। शुरुआत भारत की बड़ी ख़राब रही, एक बार फिर आदत से मजबूर और कसम खाए हुए केएल राहुल आउट हुए 8 रन के स्कोर पर, टीम के 8 रन के स्कोर पर, इनसे 8 रन तो बन ही नहीं सकते, 2 रन पर आउट हुए ये। और मुरली विजय 0 पर आउट हुए, उन्होंने भी कसम खाई हुई है कि जब राहुल नहीं मारेगा तो मैं भी रन नहीं मारूंगा। 8-2 होने के बाद भारतीय टीम को मझधार में दबाकर ये दोनों ओपनर चलते बने और फिर विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की एक बेहतरीन साझेदारी जिसने भारत को 82 के स्कोर तक पहुंचाया और उस साझेदारी ने भारत को संकट से निकाला, हम ये कह सकते हैं। जो क्रूशियल टाइम था लंच से लेकर टी के बीच में, जब केएल राहुल जो है वो चले गए थे, लंच खा के आए थे, थोड़ा सा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा तो शायद चले गए, उसके बाद इन दोनों ने बहुत सूझबूझ भरी पारी खेली। पुजारा आउट हुए, पुजारा के जाने के बाद ऐसा लगा फिर शायद भारतीय पारी डगमगाएगी, लेकिन जो है अजिंक रहाणे ने अच्छा संभाला, अच्छी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को विराट और अजिंक एक सम्मानजनक स्कोर तक लेकर गए। रहाणे ने 51 रन फिलहाल बना लिए हैं और अभिजीत है, वहीं विराट 82 रन बनाकर अभिजीत जीत है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन दोनों ने एक बहुत सॉलिड पारी खेली है, 172 रन भारत का स्कोर हो चुका है और कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर जो लग रही थी वो अब ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ने का काम कर रही है। अगर यहाँ से 150 रन और लगते हैं बोर्ड पर तो ऑस्ट्रेलिया को भारी हो जाएगा। 326 के आसपास भारत का लक्ष्य होगा पहुँचने का, उम्मीद हम यही करते हैं कि भारत पहुँचे। तो चलिए, क्या कुछ घटा आज, क्या रिकॉर्ड बने और किस तरह से बल्लेबाजी हुई, ये सारी चीज़ हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज़। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पर्थ टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर पर्थ टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी 326 रनों पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स काफी जल्दी आउट हो गए और 8 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम मैच पूरी तरह से मुसीबत में पड़ गई। लेकिन कप्तान कोहली और चेतेश्वर पुजारा टीम के संकट मोचक बने और दोनों ने मिलकर 75 रनों की साझेदारी की, जिसके बाद चेतेश्वर पुजारा के विकेट मिचेल स्टार्क ने झटक दी। इस विकेट के झटकने के बाद कोहली का साथ देने आए उपकप्तान अजिंक रहाणे। हालांकि पहले मैच की दूसरी पारी में बेहतरीन 70 रन बनाकर टीम को आगे ले गए थे। ऐसे में रहाणे से उम्मीद है, अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक 2 चौके और 1 छक्का जड़ चुके हैं, लेकिन भारत के लिए इम्पोर्टेंट यह है कि उसका स्कोर 100 के पार पहुंच चुका है और अगर एक पार्टनरशिप और बड़ी लग जाती है तो यहाँ पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े को छू सकती है जो 326 का है। हालांकि भारत की कोशिश यही होगी कि इस पिच पर 350-400 रन बनाए जाए, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पिछड़ते हैं तो फिर चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में घमासान जारी है, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के 326 के जवाब में टीम इंडिया अपनी पारी को संभाल चुकी है। जी, आपको बता दें कि भारत की पारी को संभालने में चेतेश्वर पुजारा और कप्तान कोहली का बहुत बड़ा हाथ था। केएल राहुल और मुरली विजय एक बार फिर टीम को मझधार में छोड़कर गए थे, 8 पर टीम के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने समझ बूझ भरी साझेदारी की और 75 रनों की साझेदारी करके टीम को संकट से बाहर निकाला। फिलहाल अजिंक रहाणे और विराट कोहली क्रीज पर हैं और कप्तान विराट अपना शतक जड़ चुके हैं। विराट ने अपना 20वां शतक जड़ा है और अब वो तैयारी कर रहे हैं शतक की। बता दें आपको कि विराट ने सूझबूझ भरी पारी में 7 चौके जड़े हैं और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया है। फिलहाल भारत 200 रन के ट्रेल के आसपास का पीछा और करना चाहता है। बड़ी बात यह है कि 100 का स्कोर पार होने के बाद, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय पारी जो है जल्दी सिमट जाएगी, लेकिन रहाणे और विराट की पॉजिटिव बैटिंग देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम इस मैच में वापस आ सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट बेहद रोमांचक होता चला जा रहा है। जी, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी में 326 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के शुरुआती 2 झटके 8 रन के अंदर ही लग चुके थे, लेकिन उसके बाद पुजारा और विराट ने मिलकर पारी को संवारा और करीब 75 रनों की जानदार साझेदारी कर दी। इस साझेदारी के दम पर भारत ने अपना स्कोर 80 के पार करा लिया, लेकिन चाय काल के बाद चेतेश्वर पुजारा
जो काफी सेट नजर आ रहे थे वो 24 रन बनाकर आउट हो गए हैं। जी हां, बता दें आपको कि स्टार्क की बाहर जाती हुई गेंद लेग साइड पर पुजारा पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेटकीपर कप्तान टिम पेन के हाथ में चली गई, जिसके बाद चेतेश्वर पुजारा का विकेट ऑस्ट्रेलिया को मिल गया है। यानी कि भारत के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। हालांकि विराट कोहली फिलहाल क्रीज पर है, लेकिन अभी भी कोशिश यही होगी भारतीय टीम की कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना लिए जाएं, पार्टनरशिप बिल्ड की जाए, क्योंकि अगर यहां पर एक विकेट और मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया को तो भारत के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इस घास भरी पिच पर खेलने का अनुभव ज़्यादा खिलाड़ियों को है नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से भारत कितने रन और बनाता है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और परुपल्ली कश्यप ने 16 दिसंबर की शादी का ऐलान किया था, लेकिन शुक्रवार शाम दोनों ने सादगी से शादी करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दी। हालांकि पहले भी खबरें आई थी कि उनकी शादी एक प्राइवेट इवेंट में होगी जहां तकरीबन 100 लोग ही हिस्सा लेंगे। खबरों की माने तो दोनों शादी के बाद एक बड़ा रिसेप्शन देंगे। ये रिसेप्शन 21 दिसंबर को होगा। साइना नेहवाल के बारे में पूरी दुनिया अच्छे से जानती है, लेकिन अभी भी कुछ लोग परुपल्ली कश्यप के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में अब आपको उनके बारे में भी बताने जा रहे हैं। दरअसल साल 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में परुपल्ली कश्यप ने बैडमिंटन मैन सिंगल्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने इस मैच में सिंगापुर के डिवोंग को हराया था। बता दें कि कश्यप का जन्म 18 सितंबर 1986 को हुआ। वो हैदराबाद के रहने वाले हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ के अलावा उन्होंने नई दिल्ली कॉमनवेल्थ के दौरान मिक्स टीम में रजत और मैन सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। कश्यप को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हैदराबाद के रहने वाले दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी लगभग एक दशक से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन दोनों ने इस रिलेशनशिप को छिपा कर रखा हुआ था। दोनों अक्सर किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय और गुरु साईदत्त के साथ ही बाहर नजर आते थे। वहीं दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होने की बात से ना तो कभी इनकार किया और न ही कभी इस बात की पुष्टि की। साइना की उम्र 28 साल है, जबकि परुपल्ली कश्यप 32 साल के हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट मैच एक बार फिर रोमांचक हो गया है। जी आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले 326 रनों पर ढेर हो गई थी, जिसके जवाब में भारत के सामने चुनौती कठिन थी और भारत को दो बड़े झटके भी लग गए थे। जी हां, बता दें आपको कि पहले तो केएल राहुल 2 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार बने, वहीं दूसरी तरफ मुरली विजय जो स्टार्क की गेंद पर आउट हुए, दोनों ही बल्लेबाज बोल्ड हुए और एक बार फिर भारतीय ओपनर्स का फ्लॉप प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम को संभाला चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने। दोनों ने चाय काल तक जमकर डटकर बल्लेबाजी की और दूसरे सेशन में भारत का सिर्फ एक विकेट गिरा। आपको बता दें कि लंच से ठीक पहले केएल राहुल तो टिक कर खेल रहे थे, लेकिन मुरली विजय अपना विकेट गंवा कर चले गए। उसके बाद लंच के ठीक बाद केएल राहुल ने कहा कि भाई मुरली विजय गए हैं तो मैं भी नहीं खेलूंगा, वो भी आउट होकर चलते बने। लेकिन विराट और पुजारा एक बार फिर टीम को संवारने में लग गए हैं। विराट चाय काल तक 37 रन बनाकर नाबाद है, जिसमें उन्होंने 5 चौके जड़े हैं, 78 गेंदों का सामना किया है। वहीं चेतेश्वर पुजारा 23 रन बनाकर नाबाद है। जिस तरह की पारी वो पहले टेस्ट मैच में खेल रहे थे, उसी तरह की पारी वो पर्थ में भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 87 गेंदों में 23 रन पुजारा ने बनाए हैं और अभी तक सिर्फ एक चौका जड़ा है, लेकिन एक सॉलिड नॉक, एक एंड पकड़ने का जो नॉक चाहिए था वो मिल गया है। भारत को अभी भी 256 रनों की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के आसपास पहुंचने के लिए। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज भी पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहे हैं भारतीय टीम के सामने, और आज जिस तरह से विराट ने नाथन लायन को खेला है वो पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि आज एक शतक भी देखने को मिलने वाला है विराट कोहली के बल्ले से। यानी कि अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये टेस्ट मैच अब एक रोमांचक मोड़ ले सकता है, क्योंकि पुजारा और कोहली की साझेदारी अब जमना शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रह चुके युवराज सिंह अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी टीम में वापसी को लेकर तो कभी अपनी पत्नी हेजल कीच के साथ कई शादी और रिसेप्शन में जाने को लेकर। जी हां, इन दिनों एक बार फिर युवराज सिंह और उनकी पत्नी हेजल कीच सुर्खियों में है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में ईशा अंबानी की शादी पर पहुंचे युवराज सिंह, उनकी माँ शबनम सिंह और उनकी पत्नी हेजल कीच। ऐसे में वहां पहुंचकर हेजल कीच के बारे में ये अफवाह उड़ने लगी कि हेजल कीच ने अपना बेबी बम फ्लॉन्ट किया है और जल्द ही हेजल और युवराज पापा मम्मी बनने वाले हैं। हालांकि हेजल ने बाद में ये साफ कर दिया कि इस तरह की अफवाहें पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है और कभी भी अगर ऐसा होगा तो वो खुद अपने फैंस और लोगों को ये बता देंगे कि वो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं।
बड़ी बात यह रही कि युवराज का रिएक्शन भी इसमें काफी अजीबोगरीब था। युवराज सिंह खासा शॉक दिखाई दिए और हंसते हुए नजर आए और मानो वो ये कहना चाह रहे हो कि बकवास है ये सब। वैसे आपको बता दें कि 18 दिसंबर को आईपीएल की बोली लगनी है, जिस पर युवराज सिंह को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या यूवी पाजी आईपीएल 2019 में नजर आएंगे या नहीं, और साथ ही क्या विश्व कप की टीम में उनकी एंट्री हो पाएगी एक बार फिर, ये भी सवाल या निशान लगा हुआ है। आईपीएल 2019 की ऑक्शन की बोली 18 दिसंबर को लगने वाली है और उससे पहले फैंस ने अपना बड़ा फैसला दे दिया है। जी आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नजर इस बार आईपीएल ऑक्शन के में खिलाड़ियों की बोली में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर खिलाड़ी होने वाले हैं युवराज सिंह। जी आपको बता दें कि किंग्स इलेवन पंजाब की फ्रेंचाइजी पहले ही युवराज को रिलीज कर चुकी है और युवराज का अगर हालिया फॉर्म देखा जाए तो काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। ऐसे में क्या आईपीएल फ्रेंचाइजीज युवराज पर दाव लगाएगी, इस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। और क्या युवराज आईपीएल में परफॉर्म करके 2019 विश्व कप खेलेंगे, इस पर भी संदेह बना हुआ है। ऐसे में हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्विटर हैंडल पर जब पूछा कि इस बार कौन सा शेर है जो फैंस देखना चाहते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, तो ज्यादातर वोट्स युवराज सिंह के फेवर में गए। जी हां, फैंस ने साफ तौर पर कहा कि युवराज सिंह को चेन्नई सुपर किंग्स में होना चाहिए और धोनी के साथ मेमोरेबल पार्टनरशिप्स करनी चाहिए। लोगों को अभी भी याद है महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की वो साझेदारियां, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की वो मस्ती, और युवराज सिंह अगर चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे तो उनके परफॉर्मेंस में भी निखार आएगा, ऐसा लोगों का मानना है। यानी कि बैलेट वोटिंग और पब्लिक वोटिंग में ये तो साफ हो गया है सोशल मीडिया पर कि ज्यादातर लोग युवराज को चेन्नई सुपर किंग्स से भी खेलते हुए देखना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि युवराज सिंह के फैंस मायूस हो गए थे कि आईपीएल में शायद युवराज सिंह अब खेलते हुए नजर ना आए, लेकिन इस बार युवराज सिंह आईपीएल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि आरसीबी की टीम भी अपनी बल्लेबाजी को रिलीज कर चुकी है, विराट और एबी को छोड़कर लगभग सभी बल्लेबाज रिलीज किए जा चुके हैं। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी युवराज सिंह को लेने का दाव लगा सकती है, क्योंकि युवराज सिंह एक सीजन खेल चुके हैं आरसीबी की ओर से और बेहतरीन उनका प्रदर्शन भी रहा। 16 करोड़ रुपए की बोली में युवराज सिंह खरीदे थे, लेकिन हाल ही में युवराज सिंह की बेस प्राइस सबसे कम घटकर 1 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्या सीएसके या फिर कोई और आईपीएल फ्रेंचाइजी युवराज सिंह पर दाव लगाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखा आपने आज की ट्रेंडिंग खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब उम्मीद तो हम यही करते हैं कि भारतीय टीम जो है यहाँ पर बाउंस बैक करे और तीसरे दिन धमाल मचा दे, क्योंकि कल है सुपर संडे और सुपर संडे के दिन भारत जो है वो बेहतर बल्लेबाजी करना चाहेगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल होगी मुलाकात ट्रेंडिंग खबरों के साथ। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।